हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर जो हर होबी गार्डनर को, हर किचन गार्डनर को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। और चाहे कोई किसान है, चाहे किसी के बाग हैं, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आजकल रेनी सीज़न में तो बहुत सारे गार्डनर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उस प्रॉब्लम का नाम है डाईबैक। एक तो देखिए, मोस्ट कॉमनली रोज़ डाईबैक या सिट्रस डाईबैक का नाम हम सुनते हैं कि उसमें डाईबैक की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज जो मैं आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन से, उसमें आप किसी भी प्लांट में डाईबैक हो रहा है, किसी भी रीज़न से हो रहा है, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट है, चाहे कोई वो फसल है, अनाज की फसल है, चाहे कोई वो सब्ज़ी वाले प्लांट में हो रहा है, चाहे वो किसी पेड़ में हो रहा है, सब में सिर्फ एक ही होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है जो पौधे को बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर ले आती है। मतलब जब बिल्कुल 90% इवन जो आपका प्लांट है वो डैमेज हो चुका होता है डाईबैक से, उससे भी ये मेडिसिन इतनी पावरफुल है कि उसे वापस बचा लेती है और वापस उसमें जो नए लीव्स हैं, नए शूट्स हैं, वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाईबैक क्या होता है। देखिए, एक तो डाईबैक होता है कि हम जैसे कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो हमारे अगर टूल्स में साफ़ सफाई नहीं है या एंटीसेप्टिक हमने नहीं यूज़ किया तो इन्फेक्शन की वजह से हो जाती। उसमें क्या होता है, डाईबैक में बेसिकली क्या होता है कि पौधा जो है वो पूरी तरह से सूख जाता है, उसकी जो स्टेम्स हैं वो सूख जाती हैं, लीव्स जो हैं बिल्कुल सूख के गिर जाते हैं और पौधे पे सिर्फ टहनियाँ टहनियाँ बच जाती हैं। और रोज़ में या सिट्रस में ये क्या होता है, ये ऊपर से स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी टहनी की टिप से स्टार्ट होता है और फिर ये नीचे ट्रैवल करती है। और ये एक फंगस की वजह से होती है ये डिज़ीज़, जो रोज़ डाईबैक है या सिट्रस डाईबैक है, ये फंगस की वजह से होती है। टिप की अगर हमने प्रूनिंग करते वक्त सावधानी नहीं बरती, उसकी वजह से हो गई, किसी फंगस इन्फेक्शन की वजह से हो गई, अगर रूट नोट हो गया प्लांट की जड़ों में तब हो गई, नीमेटोड्स हो गए तब भी हो गई, अगर हमने पानी मिट्टी में, गमले की मिट्टी में बहुत ज़्यादा डाल दिया उस वजह से भी हो जाती है, कम डाल दिया उस वजह से भी हो जाती है, सोयल का पीएच अगर ऊपर नीचे है उस वजह से भी हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डाईबैक के, कितने ज़्यादा, तो देखिए कैंकर एक डिज़ीज़ होती है, उस वजह से भी हो जाती है, फंगस है, बैक्टीरिया हैं, कैंकर हैं, अगर हमने एंटीसेप्टिक नहीं यूज़ किया प्रूनिंग के टाइम उस वजह से भी हो जाती है। और कई बार तो कोई ऑब्वियस रीज़न हमें पता नहीं लगता और डाईबैक कंडीशन में जो हमारा प्लांट है वो पहुंच जाता है, उसके सारे पत्ते पीले होके झड़ के सूख के गिर जाते हैं, टहनियाँ सूखनी शुरू हो जाती हैं, टहनियाँ काली पड़ जाती हैं और बिल्कुल जो है पौधा है उसमें सारे पत्ते पुत्ते सब झड़ जाते हैं, सूख के सिर्फ उसमें पतली पतली टहनियाँ सी लग जाती हैं। सिट्रस और रोज़ फैमिली में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है बाकी उसमें भी नहीं होता। तो जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ आपने रोज़ डाईबैक या सिट्रस डाईबैक के लिए नहीं है, सिर्फ आपने ये कंडीशन देखनी है कि कोई भी पौधा, जब आपको कोई रीज़न नहीं समझ आ रहा कि मेरे पौधे को मैं कैसे बचाऊं, मेरा पौधा मर रहा है, सारे पत्ते झड़ गए हैं, टहनियां सूख गई हैं, बिल्कुल वो अपनी डेथ स्टेज में पहुंच चुका है, बस आपने ये सिम्टम्स देखने हैं, अगर उस स्टेज में आपका पौधा है तो एक ही ये मेडिसिन यूज़ होगी, चाहे कोई वो पेड़ है, चाहे फसल है, चाहे आपका किचन गार्डन है, चाहे आपका लॉन है, कुछ भी है, एक ही मेडिसिन यूज़ होगी। तो बस इसीलिए मैं आपको बार बार क्लियर करना चाहती हूँ कि मतलब इस मेडिसिन का जो मेन काम क्या होता है कि पौधे की डेथ को रोकना। जब 90% डेथ स्टेज में भी पौधा पहुंच जाता है, उस स्टेज में भी ये जो मेडिसिन है उसको, पौधे को मौत के मुंह से खींच के बाहर निकाल लेती है और वापस जो वो पौधा है उसके नए लीव्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, नई ब्रांचेस वगैरह आने शुरू हो जाती हैं, जो पुरानी ब्रांचेस अफेक्टेड होती हैं वो अपने आप ही टूट के गिर जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे सारे पत्ते झड़ गए हैं पौधे के, मेरी टहनियाँ काली हो गई हैं और अब इसको कुछ
कुछ भी कर लूँ मैं बचा नहीं सकती, तो एक बार उस पौधे को डिस्कार्ड करने से पहले, उखाड़ने से पहले, फेंकने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप ये मेडिसिन ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मेडिसिन सिर्फ इसमें भी यूज़ नहीं होती, ये मैंने पहले एक वीडियो डाला था ब्लॉसम एंड रोट, जिसमें शिमला मिर्च और टमाटर के जो फ्रूट्स होते हैं वो नीचे से गलने शुरू हो जाते हैं, जिसे ब्लॉसम एंड रोट बोलते हैं, उसमें भी यही मेडिसिन यूज़ होती है। वो भी अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो आपको शिमला मिर्च और टमाटर में वो भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो और भी बहुत चीज़ों में ये गार्डनिंग प्रॉब्लम्स में ये मेडिसिन यूज़ होती है। तो ये जो एक फ़र्स्ट एड किट जिसे हम बोलते हैं ना गार्डनिंग के लिए होम्योपैथी की, उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। तो आप इस मेडिसिन को मतलब ज़रूर रखिए अपने पास, और ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन का नाम है कार्बोवेज 30। ये कार्बोवेज आपको 30 पावर में लेनी है, 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आपने रूट्स में देनी है। ये ट्रीटमेंट आपको 4 दिन लगातार करना है। आप देखेंगे कि जिस पौधे को आप लिटरली फेंकने वाले थे अपने डस्टबिन में उखाड़ के, थोड़े दिन में ही उसमें नए लीव्स आने शुरू हो जाएंगे, उसमें नई ब्रांचेज आनी शुरू हो जाएंगी, और जो आपका पौधा बिल्कुल मरने की स्टेज में है वो बच जाएगा और फिर से हरा भरा हो जाएगा। देखिए, एक इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था हाउ टू रिवाइव अ डाइंग प्लांट, मरते हुए सूखते हुए पौधे को कैसे बचाएं। उसमें जो मेडिसिन यूज़ करी थी वो थी एकोनाइट 200। अब मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों ट्रीटमेंट्स में क्या डिफरेंस है। जो एकोनाइट 200 है वो हम उस केस में यूज़ करते हैं जब एक रात पहले हमारा पौधा बिल्कुल ठीक था, सडनली वेदर में कुछ ऐसी चेंजेस हुई, ड्रास्टिक चेंजेस हुई और पौधा एकदम सूख गया। मतलब 24 घंटे के अंदर जो पौधा एकदम हरा भरा था 24 घंटे पहले, वो 24 घंटे बाद एकदम सूख गया, मरने वाली स्टेज में पहुंच गया। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे एकोनाइट 200, जहाँ पे जो पौधे की डेथ है वो सडनली विद इन 24 या विद इन 48 आवर्स बिना किसी रीज़न के हो, उसमें हम एकोनाइट मेडिसिन यूज़ करते हैं। सपोज़ कोई आपने प्लांट काफ़ी टाइम से ग्रीन हाउस में रखा हुआ था, ठीक है, या शेड में रखा हुआ था, एकदम से आपने उस पौधे को ओपन टेरेस में रख दिया जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो क्या हुआ, पौधे को एकदम शॉक कंडीशन में पहुंच गया। कहाँ तो वो शेड में था और कहाँ आपने उसको ओपन में डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, सूरज की गर्मी में रख दिया। तो उस वजह से जो पौधा था उसको अचानक शॉक लगा और वो जो उस मतलब चेंज आई टेम्परेचर में उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी जो डेथ स्टेज थी वो स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है कि रात तक मौसम बहुत गर्म होता है और पूरी रात इतनी तेज़ बारिश होती है, अगले दिन मौसम इतना ठंडा हो जाता है, मतलब जो अगर वेदर में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुई, सडन फ्लक्चुएशंस हुई कि रात तक टेम्परेचर नॉर्मल था और अगले दिन एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तो जो प्लांट था हमारा वो वेदर फ्लक्चुएशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया और वो सूखना शुरू हो गया या मुरझाना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन में हम एकोनाइट यूज़ करेंगे जब 24 घंटे या 48 घंटे में एकदम से ही आपको रीज़न समझ ना आए कि मैंने पौधे को क्या ऐसा किया कि ये रातों रात ख़राब हो गया, उस केस में हम एकोनाइट 200 यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से ये सूख रहा है पौधा, जैसे आपको रोज़ डाई बैक है या सिट्रस डाई बैक है, या आपको पता लग रहा है कि प्लांट में कोई पेस्ट अटैक हुआ है, तो जो पेस्ट अटैक है ना वो देखिए एकदम 24 या 48 घंटे में आपके पौधे को ख़राब नहीं करता, वो ग्रेजुअल एक प्रोसेस होती है, आपको पता लग जाता है, कम से कम हफ्ता 10 दिन लगते हैं पूरे प्लांट को ख़त्म होने में। तो अगर मेरी ये सजेशन है कि आप अपने प्लांट्स को डेली चेक किया कीजिए, उनके लीव स्टेम्स वगैरह चेक करिए, पेस्ट अटैक चेक करिए। रेनी सीज़न में तो देखिए प्लांट्स पे नज़र रखना डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो सीज़न होता है जब मैक्सिमम फंगल अफेक्शंस जो होती हैं हमारे प्लांट्स को होती हैं।
तो आप जब चेक करते रहेंगे, तो अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही जैसे आपको पता लग गया कि इसमें डाईबैक कंडीशन शुरू होने लग गई है, नो मैटर, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि किस वजह से हुई, वो आप सोचने पे टाइम वेस्ट मत कीजिए कि क्यों हो रही है। जब आपने देख लिया कि आपका कोई पौधा अचानक से सूखना शुरू हो गया, या हल्की सी उसकी स्टेम की टिप सूखनी शुरू हो गई है या काली शुरू होनी हो गई है, तो उसी टाइम आप ये मेडिसिन उसमें दे दीजिए 4 दिन के लिए। जो डैमेज है वो वहीं पे रुक जाएगा, जो ख़राब हुई स्टेम है वो अपने आप ही टूट के गिर जाएगी और उसमें प्लांट में जो है नई हेल्दी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग में ही ध्यान रख के ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे नहीं है कि लेटर स्टेजेस में काम नहीं करती, लेटर स्टेजेस में भी मैंने अपने बहुत से प्लांट्स में देखा है। एक मेरा टोमेटो का प्लांट था, तब मुझे इतनी गार्डनिंग की नॉलेज नहीं थी कि क्यों ये ख़राब हो गया, एकदम से ही वो ख़राब हो गया, सूख गया था, और ये इस मेडिसिन से मैंने ट्रीटमेंट किया तो आप मतलब एक सिर्फ उसकी टहनी बची थी, और एक टहनी जो बची थी उस पे इतने ज़्यादा टमाटर लगे, इतनी हैवी फ्रूटिंग हुई है मेडिसिन देने के बाद। और कहाँ पहले मैं उस जो प्लांट था टोमेटो का उसको फेंकने वाली थी। तो इतनी पावरफुल है ये मेडिसिन, आप ट्राई कीजिए। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, तो अगर आपका कोई भी पौधा, मतलब कोई भी पौधा, चाहे वो किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से सूखना शुरू हो गया है, मरना शुरू हो गया है, और आप चाहते हैं कि किसी तरह मैं इसको सेव कर लूं, आपको कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा कि क्यों मेरे पौधे के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों इसके सारे पत्ते झड़ गए और टहनियाँ रह गई, क्यों इसकी टहनियाँ काली हो गई, तो आप ये मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। 4 दिन आप लगातार दीजिए, 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में, कार्बोवेज 30 पावर में आपको लेनी है। आप देखेंगे कि आपका पौधा जो है वो मरने से भी बच जाएगा और आपके पौधे में नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, और जो नई ग्रोथ आएगी उसमें बिल्कुल भी कोई फंगल या बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा, बिल्कुल हेल्दी पौधा आपका फिर से वापस हरा भरा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपकी क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि सारे कमेंट्स पढ़ूँ और उनका जो रिप्लाई भी करूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम अपने जितने भी आपके गार्डनर फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबको ही प्रॉब्लम आजकल फेस करने को मिल रही है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।